नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.2, अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल का क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले हम वार्मिंग अप के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इंग्लिश वर्कशॉप है ना, उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है वार्मिंग अप में, जैसा कि मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहती हूँ क्योंकि यहीं पर पिक्चर्स दिए गए हैं। तो ये जो यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए बच्चों, इन्हें आपको ऑब्जर्व करना है और इन सारे पिक्चर्स में क्या कॉमन है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। मतलब आपको बताना है कि व्हाट इज़ कॉमन इन दीज पिक्चर्स, आई मीन इन दीज एनिमल्स। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये टाइगर है, ये मंकी है, ये व्हेल है, और ये क्या, इसको क्या कहते हैं पता है आप लोग को, कुत्ते के जैसा दिखता है, इसका नाम होता है ढोल, ठीक है। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं ये लगभग लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। मतलब कुछ तो इसमें से पूरा कम्प्लीटली ख़त्म भी हो चुके हैं, बट कुछ और बचे हुए हैं जो अभी धीरे 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 ख़त्म होते जा रहे हैं। तो क्यों इनका जो कंडीशन है ये इतना सीरियस, इतना डेंजर क्यों आ गए, क्यों ये लोग ख़त्म होने की कगार पर हैं? बिकॉज हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग इनके जो रहने के स्थान है वहाँ पर हम हस्तक्षेप करते हैं, यानी वहाँ पर जाते हैं, जंगलों वगैरह काट रहे हैं। तो इसके लिए, क्योंकि ये लोग कहाँ पर रहते हैं बच्चों, जंगल में रहते हैं। अभी जंगल ही नहीं रहेंगे तो ये बेचारे पशु, ये जानवर जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो आप ही बताइए, अगर ये एनिमल्स सोच सकते हमारी तरह, बोल सकते, तो वो क्या कहते, ठीक है, वो क्या कहते हमारे बारे में, मतलब अपने बारे में क्या कहते कि हम पहले कितने थे, अब कितने हो गए हैं। और अगर ये चलता रहा देन एक समय ऐसा आएगा जब आप लोग बस मुझे ऐसे पिक्चर्स में ही देखोगे, ठीक है, रियल में तो देखने का कोई सोच भी नहीं सकेगा। ओके, तो ऐसी गंभीर समस्या आ सकती है, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। तो ये एनिमल्स अपने अपने बारे में क्या सोच सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है, मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो, ये तो इसी में कहा है ऑटोग्राफी, जैसा आपको लिखना है। ऑटोग्राफी मतलब क्या, आत्मकथा। तो यहाँ पर टाइगर की ऑटोग्राफी है, देखिएगा टाइगर आपसे क्या कहता है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसको रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। चलो एक ना मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, फिर आगे वाला आप खुद से करना, क्योंकि मंकी का भी हमने लिखा है, ढोल का भी लिखा है, सबका यहाँ पे ऑटोग्राफी लिखी हुई है। चलो टाइगर का मैं पढ़ती हूँ, आगे का आप पढ़ना, ठीक है। हेलो, आई एम टाइगर। टाइगर आपसे बोल रहा है कि हेलो, मैं कौन हूँ, टाइगर हूँ। आई लिव इन द जंगल, मैं कहाँ पे रहता हूँ, जंगल विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आई लिव हियर फ्रीली विथ नो लिमिट्स एंड नो बाउंड्रीज, और मैं यहाँ पर जंगल में आराम से रहता हूँ, एकदम स्वच्छंदता से, फ्रीडम से, आज़ादी से, है ना, कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं। नेचर हैज़ बिस्टोड अस एम्पल लैंड वाटर एक्सेट्रा, इट मीन्स नेचर ने हमको बहुत मतलब लैंड दिया है एकदम अच्छा, फिर वाटर भी दिया है, मतलब उसने कोई कमी नहीं की है। आई यूज टू प्रे मोस्टली ऑन एनिमल्स लाइक डियर एंड बफेलोज फॉर लिविंग, और ये आपसे टाइगर बोल रहा है कि मैं क्या करता हूँ, किसका किसका शिकार करता हूँ, तो डियर एंड बफेलोज का फॉर लिविंग, क्योंकि देखो इसको अगर जीना है देन उसको खाना खाना पड़ेगा। अब इसका खाना क्या होता है, तो यही होते हैं डियर एंड बफेलोज, तो इनका ये शिकार करके खाते हैं। बट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स वी आर इन ट्रॉबल, अब यहाँ पे जो टाइगर है वो अपनी समस्या बता रहा है कि लेकिन कुछ सालों से क्या हो रहा है कि हम बहुत बहुत परेशानी में हैं, वी आर इन ट्रॉबल। ह्यूमन बींग्स हंट एंड किल अस, दे ट्रैप अस एंड टेक अस टू सिटीज़। अभी जो ह्यूमन बींग है वो क्या करते हैं, हमारा शिकार करते हैं, हमको मार देते हैं, ठीक है, वो हमको पकड़ लेते हैं, वो हमको सिटीज़ में लेकर के जाते हैं। दे कीप अस इन केजेस, वो हमको पिंजरे में रखते हैं, केज यानी क्या होता है, पिंजरा। कीप अस हंग्री, हमको भूखा रखते हैं। एंड यूज़ आवर स्किन एज क्लॉथ्स विच इज़ नॉट फेयर, और हमारी स्किन का यूज़ करते हैं फॉर क्लॉथ्स, कपड़े के लिए, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, विच इज़ नॉट फेयर। देखा आपने कितना सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, इसको पढ़ करके आप सिंपली वे में समझ सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफिकल्ट है, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ड्यू टू दीज एक्शंस आई एंड ऑल माई फ्रेंड्स यूज टू अटैक ह्यूमन बींग्स वेन फाउंड, वी आर द सेक ऑफ आवर लाइफ अटैक ह्यूमन बींग्स, वी आर नियर टू एक्सटिंक्ट, इफ ऑल ऑफ अस डाई देन वेयर यू विल फाइंड सच हेरोइक एनिमल्स लाइक अस, आई एम वॉरिड दैट All of us will no more be a part of this world if this doesn't stop, please save us from this danger. Okay? तो ये इसका आंसर है, मतलब ये जो टाइगर है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रहा है, इट मीन्स अपनी आत्मकथा बता रहा है। उसके बाद दूसरा कौन था, मंकी। तो मंकी भी यहाँ पे अपनी ऑटोग्राफी बता रहा है, अपनी आत्मकथा बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, अभी मेरी कितनी प्रजातियाँ बची हुई हैं, कितनी नष्ट हो गई हैं, किसके कारण नष्ट हुई है, ये सारी चीज़ें ये मंकी भी बता रहा है। अगला है यहाँ पे ऑटोग्राफी ऑफ ब्लू व्हेल, जैसे वो ब्लू व्हेल थी ना, आपने देखा था पानी में थी, तो वो भी अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रही है।
फिर उसके बाद जो ढोल है जिसका मैंने नाम लिया था कुत्ते के जैसे दिखने वाला, तो ये भी अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, होल्ड अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड लेटर ऑन एक्सपांड द थीम्स ऑन योर ओन। क्या करना है बच्चों, आपको क्लासरूम में ऐसे डिस्कशन करना है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं उसके ऊपर, और फिर उसको एक्सपांड करना है मतलब थीम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है व्हाई ह्यूमन बींग्स नीड टू यूज़ मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस टाइम पे देखा जाए तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, व्हाई, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में आपको मतलब इस टॉपिक के ऊपर यू हैव टू डिस्कस, ओके। तो चलो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, वैसे आप लोग डिस्कस करिएगा इस टॉपिक के ऊपर, और आप लोग लिख भी सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने भी आपको इसका आंसर दिया है तो आप ये भी एक बार देख लीजिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैंने, चलो मैं फटाक से रीड करती हूँ, आप समझना, ओके। ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स नीड टू यूज़ मोर एंड मोर रिसोर्सेज, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे डे बाई डे, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनके ऊपर दबाव तो बढ़ेगा ना, है ना, क्योंकि ह्यूमन बींग बढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का भी यूज़ करेंगे, ओके। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, बट इफ़ दिस इज़ नॉट कंट्रोल, लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया देन रिसोर्सेज इन द फ्यूचर विल डिक्लाइन, कमी हो जाएगी इनकी, एंड इट विल अफेक्ट फ्यूचर जनरेशन, और इसका अफेक्ट किसको किसके ऊपर पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, जो भी लोग रहेंगे उनके ऊपर। सो आवर ड्यूटी इज़ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करें, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें। वी शुड यूज़ इट इन लिमिटेड, मीन्स हमको इन्हें लिमिट में यूज़ करना चाहिए, राइट, समझ आ रहा है ना आपको। वी शुड फोकस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज फॉर जनरेटिंग एनर्जी, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। इफ़ द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज नॉट कंट्रोल देन द होल वर्ल्ड विल फेस अ डेंजरस सिचुएशन, मतलब ये जो पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, अगर इसको नहीं रोका गया देन बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। इसलिए हमको पॉपुलेशन क्या करना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही अवेलेबल है, अब संख्या बढ़ाते जाओ तो भाई क्या होगा, ओके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस गेट डिप्लेटेड कैन नॉट बी क्रिएटेड सिंस इट टेक्स मेनी ईयर्स टू फॉर्म, है ना, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं अगर वो एक बार ख़त्म हो जाते हैं देन उनको बनने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ही सोचिए ना, वो सारी चीज़ें हम खत्म कर देंगे देन हम लोग क्या करेंगे बाद में। एवरी सिंगल पर्सन इज दिस वर्ल्ड शुड टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हर एक आदमी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ एक लिमिट में करना है, यानी उसको कंजर्व करके रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। बस हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना है, हमें सेल्फिश नहीं बनना है, ओके, हमें जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में भी सोचना है, ठीक है। अगला यहाँ पर टॉपिक है कि शुड वी कंजर्व ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट यूजफुल थिंग्स इन नेचर। अच्छा आप बताइए कि जो नेचर में मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं, क्या हमें उनको ही कंजर्व करना चाहिए या फिर सारी चीज़ों को करना चाहिए, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। तो इट इज़ राइट टू से दैट वी शुड कंजर्व द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द नेचर, मतलब ये बात तो सही है कि जो भी नेचर में मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट यूजफुल चीज़ें हमें उनको कंजर्व करनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट 100% राइट टू से दैट, लेकिन ये 100% सही नहीं है, ओके। इट्स नॉट 100% राइट टू से दैट वी शुड नॉट थिंक दैट इन दिस बिग वर्ल्ड ओनली ह्यूमन शुड एग्जिस्ट एंड नो अदर एनिमल्स, वी डोंट नो द फैक्ट दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड इज आइदर यूजफुल फॉर ह्यूमन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर नॉट यूजफुल और नॉट ब्यूटिफुल फॉर ह्यूमन्स, बट दे इन सम प्लेइंग इम्पॉर्टेंट सॉरी सम वे प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग आवर इको सिस्टम बैलेंस्ड एंड हेल्दी, ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वॉट इज ब्यूटिफुल और यूजफुल, हु हैज़ द राइट टू डिसाइड दैट, मतलब क्या ब्यूटिफुल है क्या यूजफुल है, ये डिसाइड करने का अधिकार किसको है, ये आप बता सकते हो। तो इसका आंसर मतलब ये टॉपिक है आपका, इसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, आई थिंक दैट इफ अ पर्सन इज वेल एजुकेटेड एंड इज अ लवर ऑफ नेचर देन ही शी हैज़ द राइट टू डिसाइड व्हाट इज ब्यूटीफुल और यूजफुल, एज नो वन इन दिस वर्ल्ड हैज़ द राइट टू डिसाइड दैट एज मेंशन अर्लियर दैट मेनी थिंग्स आर नॉट ब्यूटीफुल एंड यूजफुल इन वन आई बट इट इज यूजफुल इन अदर्स आईज, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, यस, यहाँ से इंग्लिश वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। देखो वार्मिंग अप के हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, अभी इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। तो इंग्लिश वर्कशॉप में पहला क्वेश्चन है फॉर्म ग्रुप्स डिस्कस द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स, ग्रुप्स फॉर्म करने हैं और जो दो पैराग्राफ है पहले दो पैराग्राफ उनको डिस्कस करना है,
एंड ट्राई टू प्रेजेंट देयर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन के रूप में आपको ट्राई करना है उसे प्रेजेंट करने का। जैसे पहला है यहाँ पे वॉलेंटियर्स, यानी वॉलेंटियर्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, इसके इसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। एंड देन बी है द वॉलेंटियर्स एंड द विलेजर्स, ठीक है, इनके बीच में बातचीत हो रही है तो आप उसको भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो वॉलेंटियर्स के बीच में देखिए यहाँ पे बातचीत हो रही है, वॉलेंटियर ए क्या कहता है, फिर बी क्या कहता है, सी क्या कहता है, फिर ए क्या कहता है, ए बी सी इस प्रकार से हैं। तो आप एक बार देखिए, मैं आपको ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ओके, ये इसका आंसर है, ये तो ए है, कन्वर्सेशन बिटवीन वॉलेंटियर्स, ठीक है, अभी विलेजर्स और वॉलेंटियर्स बाकी है, तो ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, कन्वर्सेशन बिटवीन द वॉलेंटियर्स एंड द विलेजर्स। ओके, तो अभी वॉलेंटियर्स और विलेजर्स के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसका मतलब यहाँ पे हमने बातचीत लिखी हुई है, कन्वर्सेशन लिखा हुआ है उन दोनों के बीच का, तो आप ना हाफ हाफ करके देखो, पहले आप इतना देखो, फिर मैं आपको आगे का भी दिखाऊंगी। चलो आगे का देखते हैं। चलो प्रश्न नंबर दो है यहाँ पे, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन सी टर्टल्स विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, यानी पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सी टर्टल के ऊपर ना शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। यू हैव टू राइट द शॉर्ट नोट ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो इसका मैंने आंसर लिखा है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आप लोग इसको देखो एक बार एंड लिख लेना। देन अगला यहाँ पे है, प्रिपेयर अ पोस्टर टू इलस्ट्रेट हाउ द टर्टल एग्स वर आर वे एग्स वर और आर प्रोटेक्टेड, इंक्लूड द फॉलोइंग इन द पोस्टर। आपको पोस्टर प्रिपेयर करना है, किस लिए प्रिपेयर करना है, कि वो जो एग्स होते हैं ना टर्टल के, वो कैसे सुरक्षित रहते हैं, कैसे सुरक्षित रखे गए हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो ये सारे कुछ यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए जिनको आप अपने पोस्टर में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि सम पिक्चर्स ऑफ द सी टर्टल्स। तो बच्चों ये आप खुद से करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट टर्टल नेस्ट एंड एग्स, अ पिक्चर ऑफ पिक्चर एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोटेक्टेड नेस्ट। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है ये आप खुद से प्लीज़ करना, प्लीज़। ओके, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई किया, जैसे आप ये सारे लिख सकते हो, सेव ट्रस्ट सेव नेचर। ओके, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, यस, ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको खुद से ही करना है, क्वेश्चन नंबर 4, डू इट योरसेल्फ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है, डू इट योरसेल्फ यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का यूज करके आपको करना है। सो ये आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड ब्रीफली यूजिंग द एग्जांपल गिवन हियर, यानी कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड। ठीक है, तो इसके मतलब इससे रिलेटेड जो आपके पास आइडिया है, कैसे हम लोग नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका मतलब वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसका आंसर लिखा हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो आप लोग उसको लिखिएगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर अ बुलेट पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनके ऊपर आपको बुलेट पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। जैसे पहला यहाँ पे स्कोप फॉर टूरिज्म इन योर लोकेलिटी, तो प्रेजेंटेशन बनाना है बुलेट वाला। तो देखो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ओके, तो प्लीज़ आप इसको लिखिएगा, मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नेक्स्ट, प्रूडेंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हमको कैसे करना चाहिए बच्चों। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है ना, विवेकपूर्ण, यानी होशियारी के साथ। ठीक है, मतलब एक लिमिट में करना चाहिए ना, जब जरूरी हो तभी यूज करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी आपको प्रेजेंटेशन, बुलेट प्रेजेंटेशन बनाना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही इसका आंसर है। आप लोग देखो एक बार। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग एंट्रीज इन द लैंग्वेज स्टडी पेजेस क्लॉज एंड सेंटेंसेस। सुनिएगा बच्चों, आपको क्या करना है, जो लैंग्वेज स्टडी पेजेस है ना आपके टेक्स्ट बुक में एकदम लास्ट पेज पे,
उसमें जाइएगा, क्लॉज और सेंटेंस पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ना है आपको क्लॉज एंड सेंटेंस, एंड देन ये तो ग्रामर के पार्ट से आपके टीचर आपको सिखाएंगे। अंडरलाइन द मेन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए तो इसमें जो मेन क्लॉज है उसे आपको अंडरलाइन करना है। तो ये पहले वाले में ये है आपका मेन क्लॉज, दूसरे वाले में ये है आपका मेन क्लॉज, एंड तीसरे वाले में ये है, ठीक है ना, जो अंडरलाइन किया गया आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे रीड लास्ट चांस टू सी। अच्छा ये देखो यहाँ पे ये आपको रीड करना है बाय डॉगलस एडम्स एंड मार्क कार्वर डाइन, ठीक है, तो इसे आपको रीड करना है बस, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये जो आपका लेसन दिया गया था लेसन नंबर 2.2 इसका क्वेश्चन आंसर फिनिश्ड कर लिया है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।